वेलकम टू स्काउटिंग वर्ल्ड। इस वीडियो में हम देखेंगे रोलिंग हिच, जिसे हिंदी में सरक फांस भी कहा जाता है। रोलिंग हिच तब काम आता है जब बोरे का एक मुंह को बंद करने के लिए हमें कुछ गांठ बांधना होता है। बोरा होता है, उसके मुंह को जब बंद करते हैं तो रोलिंग हिच का इस्तेमाल किया जाता है। रोलिंग हिच का दूसरा उपयोग ये भी है कि अगर हम खूंटा फांस क्लो हिच बांधते हैं और हमें डर है कि उसमें मजबूती कम है, तो क्लो हिच को ज़्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए रोलिंग हिच का उपयोग किया जाता है। क्लो हिच में जहाँ एक राउंड होता है, रोलिंग हिच में उसके जगह दो राउंड होता है। आइए देखते हैं रोलिंग हिच। रोलिंग हिच बांधने के लिए क्लो हिच के ही तरह एक बार रस्सी को इस प्रकार से राउंड घुमा लेंगे। राउंड घुमाने के बाद क्लो हिच में हम ऐसा क्रॉस करते थे, रोलिंग हिच में भी सेम उसी प्रकार से ऐसा क्रॉस होगा। मगर क्लो हिच में जो हम यहाँ बीच से ऐसा रस्सी को डाल देते थे, रोलिंग हिच में डबल राउंड होता है, इसी के लिए हम एक बार और इस प्रकार से राउंड करेंगे। तो ये रोलिंग हिच में दो राउंड हो गए, 1 और 2। उसके बाद जिस प्रकार से क्लो हिच में हम बीच से रस्सी के इस प्रकार से डालते थे, सेम उसी तरीके से रोलिंग हिच में भी डाल देंगे। ये हो गया रोलिंग हिच कंप्लीट। सरक फांस भी इसी को कहा जाता है। बोरे के मुंह को बांधने में उपयोगी है। खूंटा फांस को मजबूती प्रदान करने के लिए भी रोलिंग हिच या सरक फांस उपयोगी है।